जय भीम साथियों, आज हैं हम लोग मेरठ। मेरठ में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, कुमार आश्रम छात्रावास। मेरे पीछे जो नौजवान आप देख रहे हैं, ये कुमार आश्रम छात्रावास में स्टडी करने वाले जो हैं साथी, वो किसी उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ। उद्देश्य ये है, कुमार आश्रम छात्रावास ने इस देश में दलित समाज को बहुत मजबूत अधिकारी कर्मचारी दिए, लेकिन उन अधिकारी कर्मचारियों ने कुमार आश्रम छात्रावास को क्या दिया, ये ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया। कुमार आश्रम छात्रावास, मैं जरा सा कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कुमार आश्रम छात्रावास है। ये नौजवान है जो यहाँ स्टडी करते हैं। जरा सा हट जाओ, मैं हालात दिखा देता हूँ कुमार आश्रम छात्रावास के। वो पीछे जो अंतिम आप देख रहे हैं वो जर्जर हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ आए हैं, ये सब देख सकते हैं आप, कुमार आश्रम छात्रावास मेरठ जय भीम। तो अब उद्देश्य मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुमार आश्रम छात्रावास वो जगह है जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे आईएएस आईपीएस अधिकारी दलित समाज को मिले। ये मेरठ में नौचंदी थाना क्षेत्र में कैलाशपुरी में जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है, लेकिन इस पे जो मैनेजमेंट है वो बहुत मनुवादी लोगों का है। तो वो मैनेजमेंट के लोग को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि यहाँ जो है दलित समाज के बच्चे पढ़ के आगे निकलें और मजबूती से इस देश में अपनी भागीदारी अदा करें। तो अब से 11 महीने पहले, जो बहुत ज़रूरी बात है, अब से 11 महीने पहले यहाँ विजिलेंस का छापा लगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये जगहें हैं जहाँ हम लोग प्रार्थना करते हैं, जहाँ से हम लोग ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन ये शिक्षा का मंदिर है, ये भी हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से हमारे समाज को नई ऊर्जा मिलती, यहाँ से हमारे नौजवानों को, ये जो चेहरे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये वो चेहरे हैं जो कल इस समाज का भविष्य होंगे और इस समाज के लिए मजबूती से संघर्ष करेंगे। लेकिन पिछले 11 महीने से आइडिया लगाइएगा, पिछले 11 महीने से बिजली नहीं है, और आप समझते हैं बहुत मजबूत, बिना बिजली के कितने काम होते होंगे। बिजली नहीं है, सफाई कर्मचारी जो था उसको हटा दिया गया है, और भी अनेकों समस्याएं हैं। जानबूझकर इस जगह को, कुमार आश्रम छात्रावास को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जुल्म जाति की जा रही है कि जिससे यहाँ के बच्चे, यहाँ के मैनेजमेंट ने हमारे बच्चों के खिलाफ क्या दिए हैं, वो नोटिस दिए हैं। ये नोटिस है मेरे हाथ में, ये नोटिस मैं आपको पढ़ा देता हूँ, जरा देख लीजिए। सेवा में विकास कुमार पुत्र श्री गंगाराम सिंह, ग्राम बेनीपुर, पोस्ट बेनीपुर, तहसील सियाना, जिला बुलंदशहर, मैनेजर कुमार आश्रम छात्रावास कैलाशपुरी मेरठ। और उद्देश्य मात्र ये है नोटिस का कि ये इंस्टीट्यूशन आपको छोड़ देना चाहिए, वरना हम आपके खिलाफ FIR करा देंगे, कोर्ट में मुकदमा डाल देंगे। अरे सुनो भैया, ये छात्रावास हमारा है, ये बच्चे, ये परिवार हमारा है, ये झूठे आरोप लगाते हैं कि ये बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। देखिए, इसको नोटिस दिया गया, उसमें कहा गया कि आप यहाँ नहीं पढ़ते हैं, आपको छोड़ देना चाहिए, ये
डीएन कॉलेज मेरठ का एडमिट कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है विकास का। तो बस मैं ये बता देना चाहता हूँ सब लोगों को, पूरी दुनिया के लोग इसे देख रहे हैं, 622 लोग इससे जुड़े हुए हैं अभी, 634 लोग। ये इंस्टीट्यूशन हमारा है, यहाँ हमारे किसी भी बच्चे को आप परेशान नहीं कर सकते हैं, ना सता सकते हैं। यहाँ बिजली की समस्या के लिए मैंने यहाँ के डीएम से बात की है, एमडी पावर फोन नहीं उठा रहे हैं, एसडीओ ने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, एक्शन कह रहा है कि हम नहीं होने देंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि यहाँ बिजली भी जुड़ेगी और ये बच्चे चैन से रहेंगे भी। यहाँ के मनुवादी लोग भी ये जान लें, जो चाहते हैं कुमार आश्रम छात्रावास बंद हो जाए, ये बंद भी नहीं होगा, इसे बंद करने किसी की औकात भी नहीं। अगर इसकी तरफ बुरी नज़र से भी देखा गया तो उसके लिए आपको फिर चंद्रशेखर आज़ाद से और भीम आर्मी से टकराना पड़ेगा। आप ये याद रखिएगा, हम संविधान के साथ खड़े हैं, हम संवैधानिक ढांचे के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर जानबूझ के सिर्फ सताने की नीयत से हमारे लोगों को परेशान किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप याद रख लें, जब मंदिरों में बिजली फ्री हो सकती है तो शिक्षा के इस मंदिर में भी बिजली फ्री हो सकती है। 8 लाख रुपए का मुआवजा लगा रही है कमजोर वर्ग के बच्चे, सरकार झूठी बातें करती है। एक तरफ कहती है कि हम दलित समाज के साथ हैं, एक तरफ कहती है हम गांव गांव बिजली पहुंचा रहे, 11 महीने से बिजली काटी है यूपी गवर्नमेंट ने, शर्म नहीं आती? और उस धरती पे, मेरठ की धरती पे, मेरठ तो क्रांति धारा 1856 यहां से चली है और बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी दिए इस कुमार आश्रम छात्रावास ने, जो देश में सेवा करके देश के लिए काम कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं कि ये दोहराई वाली बातें करते हैं। मैं क्यों कहता हूं मोदी दलित विरोधी है, इसलिए दलित विरोधी है, उनकी नीति दलित विरोधी है। 11 महीने से बिजली काटी हमारे भाइयों की, ये बिजली लगेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये दोहराई नीति आप करते ना, हम दलितों के साथ हैं, आप कहते बच्चों को पढ़ाने के बाद सब बच्चे पढ़ने चाहिए, कौन से बच्चे पढ़ने चाहिए? तुम तो हराम खोरो, तुम तो हमारे बच्चों की बिजली काट के 11 महीने से बैठे हो। ये मंदिर होता तो यहाँ बवाल हो जाता, 85 बच्चे पढ़ते, तुमने डरा के भगा दिए। मैं बच्चों से भी निवेदन करूँगा, आप आएँ अपने हॉस्टल में रहें, हम ये देखेंगे कि कौन आपको यहाँ से निकालेगा, और हम ये भी देखेंगे कौन आपसे अवैध वसूली करेगा। आपको याद रहना चाहिए, छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, एक मामला और है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कुमार आश्रम छात्रावास मेरठ, यहां अगर साजिशन हमारे बच्चों को हटाने का प्रयास किया जाएगा, या इस मैनेजमेंट द्वारा जिस तरह दुकानें बना के वो कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान कर रहे हैं, ये भरम निकाल दो। अभी हम लोग हैं, नेताओं की जरूरत नहीं, इनका भाई है लड़ने के लिए। अब आके बिजली कटवाना, मैं जुड़वाऊंगा आज बिजली यहाँ की, और जो मुकदमा का अधिकारी कर्मचारी करना चाहे मेरे ऊपर करें, मैं जुड़वाऊंगा बिजली यहाँ की, ठीक है? इसमें किसी बच्चे कोई दोष नहीं, मैं जुड़वा के जाऊंगा और तुम करना मेरे ऊपर मुकदमा। और ये याद रखना, अगर किसी बच्चे को सताने का प्रयास किया तो चंद्रशेखर से टकराना पड़ेगा, भीम आर्मी से टकराना पड़ेगा। मैं यहीं मिलूंगा 1 घंटे में, विदेश में नहीं रहता मैं। अगर हमारे बच्चों को परेशान किया जाएगा तो यहीं मिलूंगा। औकात में रहो, अच्छे काम करो, समाज की बात करते हो, गरीबों की बात करते हो, तो जो सरकार जो नीतियां हैं उनको लागू कराओ। इस तरह से एक तरफ पढ़ाई की बात करते हो, सबको पढ़ना चाहिए, दलितों की बात करते हो, सबके साथ सबके विकास की बात करते हो, दूसरी तरफ अन्याय करते हो, यह अन्याय नहीं चलेगा। दूसरा एक मामला गुड़गांव का, जो संघी गुंडों द्वारा जो हमारे लोगों को मारा गया, मुस्लिम भाइयों को, गुड़गांव प्रशासन भी सुन लें, उसमें कार्रवाई करें। मैंने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी थी, मैं फिर मैंने फेसबुक के माध्यम से जानकारी दी, मैं लाइव आके बता रहा हूँ। ये कायरता और नीचता की जो हद की प्रकाष्ठा आप लोग लिख रहे हैं वहाँ मुसलमान भाइयों की, जिस तरह का बहनों की चीखें हमने सुनी है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आपको समझना पड़ेगा। अर्जुन तेरी जरूरत नहीं मेरठ आने के लिए, मैं हूँ अभी यहाँ, लेकिन ये याद रखना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से संघी गुंडों द्वारा गुड़गांव में मुस्लिम भाइयों पे हमला किया गया, उनको परेशान किया गया है, बहनों को पीटा गया है, युवाओं को पीटा गया है, बुजुर्गों को पीटा गया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अच्छी तरह सुन लें, ऐसा ना हो कि हमें आना पड़े, और हम आएंगे तो फिर अपने आप न्याय करेंगे, फिर सारे अधिकारी कर्मचारी सारे काम छोड़ के वहीं हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, कुमार आश्रम छात्रावास दोनों मुद्दे हैं, और ये गुड़गांव वाला मुद्दा, गुरुग्राम वाला मुद्दा, गिरफ्तारी नहीं है, गिरफ्तारी करिए,
न्याय दिलाइए और लोगों को माहौल, लोगों में जाके लोगों में ये माहौल पैदा कराए कि वो सुरक्षित हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, देश कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, सबको आज़ादी, फिर आपसे मुलाकात होगी। रणवीर सिंह गौतम, जय भीम। इसी तरह ईमानदार से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहो, मेरी बहुत वो मंगल कामना। मैं कुछ युवाओं को के चेहरे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये चेहरे मुरझाओ मत, इसको हंस के दिखाओ कम से कम। तुम्हारा भाई यहाँ ऐसे कैसे घबरा रहे हो, ये लाइट भी जुड़ेगी और आप लोग आराम से पढ़ोगे भी और देश के भविष्य निर्माण में भी जो भागीदारी अदा करोगे, ठीक है। जय भीम आर्मी, एक बार जोरदार नारा लगा दो, बनवादियों को जल जाना चाहिए। जय भीम, जय भीम, बाबा साहब, जय भीम, जय भीम, माननीय साहब श्री काशी राम। मैं फिर जा चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन देश में जो चल रहा है, नेहा सुदेश बहन जो ताई, नेहा सुदेश ताई बड़ी बहन, जो चल रहा है देश में, मुझे जिम्मेदारी है कि मैं लोगों तक लेके आऊं। और मेरठ मेरा घर है मेरठ, हम यहाँ किसी भी तरह का अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को समझ में आना चाहिए, सरकार जनता से बड़ी नहीं हो सकती। जय भीम।